जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के, उनके जो वार्ड्स हैं वहां पर आम आदमी पार्टी कैसा कर रही है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें, सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, शकूर बस्ती इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उत्तरी नगर निगम में आती है, तीन वार्ड आते हैं शकूर बस्ती के तहत। रानीबाग, यहां से बीजेपी आगे, सत्येंद्र जैन के जो रानीबाग इलाका है बीजेपी आगे, सरस्वती विहार से भी बीजेपी आगे, पश्चिम विहार से भी बीजेपी आगे, यानी सत्येंद्र जैन के शकूर बस्ती में जो तीन वार्ड आते हैं, रानीबाग, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार, इन तीनों जगहों से बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। मंत्री नंबर दो मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, पटपटगंज विधानसभा जो कि पूर्वी नगर निगम में आती है, इसमें आते हैं चार वार्ड्स, मंडावली, मंडावली से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, विनोद नगर, विनोद नगर से कांग्रेस आगे चल रही है, मयूर विहार फेस टू से भी बीजेपी आगे चल रही है, और पटपटगंज से भी बीजेपी आगे चल रही है। यानी मनीष सिसोदिया अपने वार्ड्स में एक भी वार्ड में आम आदमी पार्टी को नहीं जिता पा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मंत्री नंबर तीन गोपाल राय, बाबरपुर विधानसभा से जो कि पूर्वी नगर निगम में आती है, इसमें सुभाष मोहल्ला में कांग्रेस आगे चल रही है, करदमपुरी से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बाबरपुर से बीजेपी आगे चल रही है, जनता कॉलोनी से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। गोपाल राय एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो अपनी बाबरपुर विधानसभा में जो कि पूर्वी नगर निगम में आती है, दो सीटों पर, करदमपुरी और जनता कॉलोनी पर, आम आदमी पार्टी को बढ़त दिलाए हुए हैं। मंत्री नंबर चार कपिल मिश्रा, करावल नगर विधानसभा इनकी है जो पूर्वी नगर निगम में आती है, इसमें सोनिया विहार इलाके में बीजेपी आगे, करावल नगर वेस्ट में बीजेपी आगे, सादातपुर में बीजेपी आगे, खजूरी खास में बीजेपी आगे, श्रीराम कॉलोनी में बीजेपी आगे, यानी कपिल मिश्रा के क्षेत्र में भी बीजेपी अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है नेहा, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में जब आए थे, सारी वजह है। सबसे पहले तो पूरा जो विकास का काम देश में शुरू हुआ है, एक नई वार्ता जो देखने को मिल रही है, ये उसका असर है। दूसरा जो गरीब है, बिल्कुल जो गरीब पिछड़ा हुआ तबका है, खुल कर वो सामने आ रहा है, और ये बीजेपी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, ये प्रधानमंत्री का काम। आप अगर जनधन योजना देखिए, नोटबंदी देखिए, ये सबको साथ लेके चलने की बात कीजिए, ये ठीक और ठीक उसका असर मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन उससे हटकर जो झूठे वादे हुए हैं, जो वादा खिलाफी हुई है, और अभी कल तक ईवीएम को जो ब्लेम किया जा रहा है एक पार्टी द्वारा, उसका भी बहुत नकारात्मक असर हुआ है। और मेरे ख्याल से एक नया चेहरा देना लोगों को, एक नई दिशा देना, एक नई विजन देना, उसका बहुत फायदा हो रहा है। आपको लगता है जो अभी ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।